नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों की चाल के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाही और बाजारों की चाल में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पे कृषि फसल बाजार का अपडेट। जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में कृषि फसलों का वायदा बाजार कैसा कारोबार करता नजर आ रहा है, कौन सी कृषि फसल के अंदर कितनी मंदी तेजी के साथ ट्रेड दर्ज किया जा रहा है, किस कृषि फसल के अंदर आने वाले दिनों में कितनी मंदी तेजी देखने को मिल सकती है, जानकार क्या बता रहे हैं, एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, किस कम्युनिटी के ऊपर, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमेशा की तरह यहां पे शुरुआत करेंगे कैसे सीड के वायदा बाजार से। तो हम देख रहे हैं कि कैसे सीड का दिसंबर वायदा 6182 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 2% की तेजी है, और जनवरी वायदा 6218 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है 2% की तेजी के साथ। हम देख रहे हैं कि कैसे सीड का वायदा बाजार 6500 से फिसल कर पहले जो 6400 पर आया था, अब 6400 से एकदम से धड़ाम होता हुआ नजर आया है और 6100 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। बीते सत्र में हमने देखा था कि हफ्ते के पहले कारोबार दिन कैसे सीड का वायदा बाजार 6050 पर क्लोज होता हुआ नजर आया था। वहीं हमारे जो एक्सपर्ट हैं केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया, उनके अकॉर्डिंग कैसे सीड का वायदा बाजार इस जो बीता सप्ताह गया है उसमें उसकी जो क्लोजिंग हुई थी वो लगभग 6300 के नीचे हुई थी, और उनका यही कहना था कि अगर वीकली क्लोजिंग 6300 के नीचे होती है तो कैसे सीड का जो वायदा बाजार है वो नीचे में 5800 से लेकर 6000 के एक सीमित दायरे में फंसता हुआ नज़र आ सकता है, सीमित दायरे में ट्रेड करता नज़र आ सकता है। जनवरी फरवरी में हम कैसे की अराइवल्स देख लेंगे, आवकें देख लेंगे मंडियों के अंदर, और अभी एक्सपोर्ट डिमांड इतनी तेज नहीं देखने को मिल रही है, घरेलू डिमांड भी जो डोमेस्टिक मांग है कैसे की वो भी इतनी कोई खास तेज नहीं है, जिसकी वजह से कैसे की जो कीमतें हैं उनमें एक सीमित दायरा देखने को मिल रहा है। कभी निचला स्तर तो कभी निचले स्तर से थोड़ी बहुत खरीदारी बनती नज़र आ जाती है, लेकिन अच्छी तेजी देखने को नहीं मिल रही है। साल 2020 में हमने देखा था कि कैसे कि चाइना की तरफ से काफ़ी अच्छी निर्यात मांग निकली थी, लेकिन 2020 में हमने कोरोना को भी होते हुए देखा, उसके बाद फिर भारत और चाइना के जो व्यापारी रिश्ते हैं वो ज़्यादा खास नहीं रहे हैं, वहाँ से कैसे की डिमांड आनी बंद हो गई, जिसका असर भारत में कैसे सीड की कीमतों पर पड़ता दिखाई दिया है, और कैसे की जो कीमतें अब एक नरमी के साथ ट्रेड करती नज़र आ सकती हैं आने वाले दिनों के अंदर। बात करने से अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल का दिसंबर वायदा देख रहे हैं 2765 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है 0.5% की तेज़ी के साथ। देख रहे हैं कि बिनौला खल का वायदा बाजार अब 2700 के लेवल्स पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। जानकारों के मुताबिक जब तक बिनौला खल 2850 का लेवल नहीं तोड़ता है तब तक बिनौला खल में ऐसी एक रेंज वाला रुझान देखने को मिलता रहेगा, सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिलता रहेगा। लेकिन अगर बिनौला खल 2850 का लेवल वायदा बाजार में तोड़ देता है, एक ब्रेकआउट लेवल देखने को मिलता है वहाँ से, तो बिनौला खल ऊपर में 2900 से लेकर इमीडिएट टारगेट 3000 तक दिखा भी सकता है, लेकिन इसके लिए बिनौला खल को 2850 का जो लेवल है वो तोड़ना काफ़ी ज़रूरी है। अगर 2850 का लेवल टूटता है तभी आगे और अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। हालांकि जो जानकार है बिनौला खल में वो पॉजिटिव ही है कि बिनौला खल में जो 3000 के भी लेवल हैं वो भी जल्द ही देखने को मिलेंगे, 2850 का लेवल जल्द ही दिखता नज़र आएगा और सस्टेन भी होता नज़र आएगा, लेकिन अभी उसके लिए अभी थोड़ा सा वक्त देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा वक्त लग सकता है उन लेवल्स आने में, अभी थोड़ी बहुत एक सीमित दायरे में कारोबार अभी कुछ दिन तक और जारी रह सकता है। लेकिन ओवरऑल रुझान बिनौला खल में पॉजिटिव ही है, तेज़ी का ही तरफ रहेगा बिनौला खल, और बिनौला खल 2022 में भी आपको काफ़ी शानदार मुनाफा देता हुआ नज़र आ सकता है। बात करें यहाँ से अगर मसाला कॉम्प्लेक्स में अगर धनिया की, तो धनिया का दिसंबर वायदा देख रहे हैं 8770 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है और 9130 का ही लगा चुका है, मामूली सी करेक्शन है। सुबह के कारोबारी सत्र में हमने देख रहे थे कि जो धनिया का वायदा बाजार है 8870 के स्तर के करीब ट्रेड करता नज़र आ रहा था, शाम के कारोबारी सत्र में 8700 के लेवल्स पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है, लेकिन आज धनिया ने 9130 का भी हाई लगा दिया है। आपको बता दें कि धनिया की कीमतों में भी तेज़ी का ही रुझान बता रहे हैं जानकार, क्योंकि धनिया की बुआई इस बार थोड़ी कम देखने को मिल रही है और जो पाइपलाइन है धनिया की वो भी लगभग खाली ही पड़ी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, यहाँ पर धनिया की जो बुआई है उनमें कमी का अनुमान लगाया गया है और थोड़ी शॉर्टेज देखने को मिल रही है। ऊपरी स्तर से जो एक्सपोर्ट डिमांड है धनिया की वो थोड़ी प्रभावित होती नज़र आई है, लेकिन आने वाले दिनों में धनिया की कीमतों में हल्की फुल्की बढ़त और बनती नज़र आ सकती है, क्योंकि वेडिंग सीज़न चल रहा है, वेडिंग सीज़न में मसालों की खपत बढ़ती है, खाना बनता है तो खपत भी बढ़ेगी मसालों की, जिसकी वजह से
शादी सीजन का जो सपोर्ट है धनिया की कीमतों पर देखने को मिलता रहेगा। दूसरा, अगर धनिया नौ हमारी जो एक्सपर्ट हैं केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया, उनका कहना है कि अगर वायदा बाजार में धनिया 9200 के लेवल दिखा देता है यानी 9200 के ऊपर सस्टेन करता है तो धनिया में अभी और अच्छी तेज़ी देखने को मिल पाएगी। ओवरऑल रुझान देने की कीमतों में तेज़ी का ही है, फंडामेंटल्स धनिया के मजबूत हैं। बात करें यहाँ से अगर जीरे की, तो जीरे का दिसंबर वायदा देख रहे हैं इस समय 16000 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। जनवरी वायदा 16180 पर है। दिसंबर वायदा में जीरा में 0.25% की तेज़ी बनती नज़र आ रही है। हम देख रहे हैं कि जीरे का दिसंबर वायदा 16000 के लेवल्स पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। दरअसल जीरा टेक्निकली जब तक 16200 के ऊपर सस्टेन नहीं हो जाता है तब तक जीरे की कीमतों में तेज़ी बनती नज़र नहीं आ सकती है, अभी ऐसा जानकारों का कहना है। लेकिन ये वायदा बाज़ार के लेवल्स हैं। बात करें अगर जीरे के फंडामेंटल्स की तो वो भी मजबूत ही हैं। एक्सपोर्ट डिमांड थोड़ी कम हुई है, एक्सपोर्ट डिमांड में कमी आने की वजह से, क्योंकि ऊपरी स्तर देखने को मिल रहे थे फिर ओमिक्रॉन आ गया जिसका असर एक्सपोर्ट के व्यापार पर देखने को पड़ा है। एक्सपोर्ट व्यापार भारत का विदेश का काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है ओमिक्रॉन की वजह से। हालांकि अभी लॉकडाउन वाली स्थिति नहीं है भारत में, लेकिन विदेशों में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। भारत में भी अब धीरे धीरे ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं वो निकल कर आना शुरू हुए हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट अभी कितना होगा कैसा होगा ये देखने को नहीं मिला है, जिसकी वजह से अभी जो भी चल रहा है बाज़ार थोड़े बहुत वो अभी हाल फिलहाल में चल रहे हैं। हालांकि जीरा अगर 16200 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो जीरे की कीमतों में और अच्छी तेज़ी देखने को मिल पाएगी। जीरा एक बार फिर से तेज़ी की ओर जाता हुआ नज़र आ पाएगा, जैसे हमने पहले जाता हुआ देखा था 16500-16800 तक जाता हुआ देखा था जीरे का वायदा बाज़ार। और अगर 16200 का लेवल नहीं दिखाता है टेक्निकली तो जीरे की जो कीमतें हैं नीचे में 15500 से लेकर ऊपर में 16000 तक देखने को मिलती रहेंगी। एक ऐसी रेंज बाउंड वाला हिसाब किताब जीरे की कीमतों में वायदा बाज़ार के अंदर देखने को मिलता रहेगा, चाहे फंडामेंटल्स मजबूत ही क्यों ना हो। लेकिन हमारे जो एक्सपर्ट हैं केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया, उनके मुताबिक जीरा और धनिया ये दो मसाले ऐसे हैं जो साल 2022 में आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा देते नज़र आ सकते हैं। शुरुआत के जो 3 महीने होंगे साल 2022 में वो धनिया और जीरा के लिए काफ़ी बेहतर साबित हो सकते हैं। तो 2022 में धनिया और जीरा आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा देते नज़र आ सकते हैं, तो आप अपने उस हिसाब से स्ट्रेटजी बनाकर चल सकते हैं। बात करें यहाँ से अगर हल्दी की, टर्मेरिक की, तो हल्दी का दिसंबर वायदा देख रहे हैं 7552 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है, लगभग 2.5% की करेक्शन है। और अप्रैल 2022 का वायदा भी 8686 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है 1.5% की करेक्शन के साथ। देख रहे हैं कि आज हल्दी का दिसंबर वायदा करेक्शन के साथ ट्रेड करता नज़र आ रहा है। हमने हाल फिलहाल में हल्दी की कीमतों को दिसंबर वायदा में 8000 के लेवल पर जाते देखा था, लेकिन वहाँ भी सस्टेनेबिलिटी नहीं मिली थी। दरअसल दक्षिण भारत में साउथ इंडिया में जो भारी बारिश हुई थी उसकी वजह से हल्दी की जो क्रॉप है वो थोड़ी ख़राब होती नज़र आई थी। जो अराइवल्स आ रहे हैं मंडियों में वो थोड़ी इम्पैक्ट हुई थी भारी बारिश की वजह से, जिसकी वजह से हल्दी की जो क्वालिटी है वो थोड़ी ख़राब रह सकती है, ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही थी। और जो क्रॉप है इस समय हल्दी की वो भी थोड़ी डैमेज हुई थी, लगभग 40-50% डैमेज हो चुकी है, उसका असर हल्दी की कीमतों पर पड़ता दिखाई दिया था। लेकिन आवकें ठीक ठाक हैं क्योंकि कैरी ओवर स्टॉक भी ठीक ठाक ही देखने को मिला है हल्दी का, और हल्दी की जो बुआई है वो भी इस ठीक ठाक देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से हल्दी की कीमतों को कहीं ना कहीं ऐसा ऊपर नीचे वाला माहौल देखने को मिलता रहेगा हल्दी की कीमतों में। हालांकि जो भारी बारिश के चलते जो क्रॉप्स डैमेजेस हुई हैं, जो क्रॉप डैमेज हुआ है उसमें, उसकी वजह से थोड़ा बहुत हल्दी की कीमतों को सपोर्ट कहीं ना कहीं मिलता ज़रूर नज़र आएगा। लेकिन ओवरऑल रुझान हल्दी में तब तक एक रेंज बाउंड वाला देखने को मिलता रहेगा जब तक हल्दी की एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी निकल के सामने नहीं आ जाती है। क्रॉप डैमेज हुआ, कुछ हुआ, लॉकडाउन लगा, XYZ, तो हल्दी की कीमतों को हल्का फुल्का सपोर्ट रहेगा, लेकिन जब तक एक्सपोर्ट डिमांड नहीं रहेगी तब तक हल्दी की कीमतों में कोई ज़्यादा बड़ा उछाल देखने को नहीं मिलेगा। ज़्यादा तेज़ी नहीं आएगी तो ज़्यादा गिरावट भी नहीं रहेगी, ऐसी नॉर्मल रुझान रहेगा। यहाँ से बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो हम देख रहे हैं कि ग्वार गम का दिसंबर वायदा 10903 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है, 6% को ऊपर सर्किट ग्वार के अंदर लगता नज़र आ चुका है। और ग्वार सीड का दिसंबर वायदा 6150 का लेवल दिखा चुका है, 5% की तेज़ी है, 6197 का लेवल टच कर चुका है।
आज हम देख रहे हैं कि ग्वार गम और ग्वार सीड दोनों में ही शानदार तेजी बनती नजर आई है। ग्वार गम और ग्वार सीड में निचले स्तर से खरीदारी निकली है। आपको बता दें कि ग्वार गम और ग्वार सीड में अभी भी जानकार उठा पटक का माहौल बता रहे हैं। अगर एक दिन तेजी बनती नजर आ जाए ग्वार गम के अंदर या ग्वार सीड में 6% का ऊपरी सर्किट एक दिन लगता नजर आ जाए, इसका मतलब ये मान के बिल्कुल भी मत चलिए कि ग्वार गम और ग्वार सीड में यहाँ से शानदार तेजी या रैली निकल जाएगी। ग्वार गम और ग्वार सीड में अभी जो माहौल बना है वो फंडामेंटल के बेसिस पर नहीं है, ये स्पेक्यूलेशन है। उठापटक वाला जारी रह सकता है माहौल। हाई वॉलेटिलिटी हमने ग्वार गम ग्वार सीड की कीमतों में देखी है। अगर 13,000 से भाव नीचे में 9,500-9,600 तक आ जाए तो इसको मान के चलिए कि वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा स्पेक्यूलेशन भी देखने को मिल चुका है, क्योंकि जो 13,000 वाली जो तेज़ी आई थी वो फंडामेंटली इतनी स्ट्रांग नहीं थी जिससे की वजह से 13,000 तक के भाव इसमें देखने को मिले। वो तेज़ी स्पेकुलेशन के चलते भी देखने को मिली थी। तो साइडवेज में अभी ग्वार गम ग्वार सीड में कारोबार देखने को मिलेगा। निचले स्तर पर भले ही वायदा बाजार के अंदर खरीदारी देखने को मिल जाए ग्वार गम ग्वार सीड में और ऊपरी सर्किट लगते नज़र आ जाए, लेकिन ग्वार गम और ग्वार सीड में थोड़ा संभल के चलने के रहने की ही ज़रूरत है। बात करें यहाँ से अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन का दिसंबर वायदा देख रहे हैं 6437 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है और इस वक्त सोयाबीन के दिसंबर वायदे में लगभग 1% की गिरावट बनती नज़र आ रही है। हम देख रहे हैं कि 6500 के 6800 का लेवल दिखा, फिर 6200 का दिखा, फिर 6500 के रेंज में स्टक हो गई और अब देख रहे हैं कि धीरे धीरे यहां से 6400 के लेवल्स देखने को मिल गए। आपको बता दें कि आज सोयाबीन की कीमतों में हमने नरमी आते हुए देखी है। दरअसल राजस्थान सरकार ने जो स्टॉक सीमा लगाई है सोयाबीन के ऊपर उसकी वजह से जो कीमतें हैं वो एक सीमित दायरे में देखने को मिल रही हैं। दूसरा, जो सोयाबीन किसान है अब जो वो लगभग 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं जो स्टॉक करके चल रहे हैं, उनकी स्टॉक करने की वजह से हमने सोयाबीन की कीमतों में तेज़ी आते हुए देखी थी। किसान को कुछ भाव सुधर कर भी मिले लेकिन लागत अभी भी नहीं निकल पाई है। लेकिन किसानों की भी जो स्टॉक करने की भी एक लिमिट है, एक क्षमता होती है, क्योंकि उनके पास उनको आगे की खेती भी करनी है, उसके लिए पैसे भी चाहिए होते हैं, घर भी चलाना होता है, कर्जा पानी भी देखना होता है, लेबर कॉस्ट देखनी पड़ती है, आगे का फ्यूचर डिसाइड करना होता है, तो सारा कुछ किसान को देख के चलना होता है। इसकी वजह से किसानों ने अब थोड़ा थोड़ा सोयाबीन मंडियों के अंदर बेचनी शुरू कर दी है। दूसरा, उनको ये भी डर है कि कहीं सरकार सोया खली का आयात ना कर दे। हालांकि सरकार साफ कर चुकी है कि इस समय वो सोया खली का आयात नहीं करेगी, सोयाबीन किसानों के हित में ये फैसला लिया है, लेकिन किसानों में कहीं ना कहीं अभी भी ये डर का माहौल देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से हमने मंडियों में अचानक से सोयाबीन की आवकें एकदम से बढ़ती हुई देखी हैं। और दूसरा, प्लांटों ने भी ऊपरी स्तर पर सोयाबीन की खरीद कर ली है और उन्होंने भी अपना थोड़ा बहुत स्टॉक बना के रख लिया है, जिसकी वजह से मंडियों में आवकें तो बढ़ी हैं लेकिन निचले स्तर होने के बावजूद भी खरीदारी ना होने से, क्योंकि प्लांटों ने थोड़ा बहुत स्टॉक बना लिया है ऊपरी स्तर पर खरीदारी करके, उसके चलते सोयाबीन की कीमतों में आज हम देख रहे हैं कि एक नरमी वाला रुझान देखने को मिल रहा है। और दूसरा वायदा में ऊपरी स्तर से हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से सोयाबीन में अभी एक नरमी वाला रुझान देखने को मिल रहा है। अभी हो सकता है कि सोयाबीन की ये जो गिरावट है थोड़ी और गहरा जाए, लेकिन जो कुछ जानकार है उनके अनुसार उनका ये भी कहना है कि सोयाबीन जनवरी 2022 में 7,000 तक का भी लेवल्स दिखा सकती है। तो किसान और वायदा कारोबारी इन फंडामेंटल्स के आधार पर, इन खबरों के आधार पर, इस विश्लेषण के आधार पर अपनी अपनी स्ट्रेटेजी बनाकर चल सकते हैं। तो फिलहाल बाजार की चाल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट एमसीबी पर।